निशला गया चक्षुर उन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलि के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्यलीला भर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला भर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण ने जब बंसुरी बजाए गोपियाँ उसी समय में जो कुछ कर रहे थे सब कुछ वहीं पर त्याग दिया। इसलिए कल हम ये श्रवण कर रहे थे कृष्ण क्यों गोपियों को स्वागत बोले। केवल स्वागत नहीं, बोले स्वागत में महाभागा। कृष्ण कहते हैं मैं तुमको स्वागत करता हूँ। सारा दुनिया भगवान को स्वागत करते हैं, लेकिन आज भगवान किसको स्वागत कर रहे हैं? आज भक्तों को स्वागत कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले सचमुच से वो स्वागत करने का योग्य है। क्यों स्वागत करने का योग्य? बोले भगवान कृष्ण सेवा के लिए उन लोगों ने संसार का सारे संबंध को तोड़ दिया। केवल जीवन में जिनने कृष्ण को ही जीवन का सर्वस्व माना है, जिसको कृष्ण गीता में कहते बोले मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। कृष्ण जो गीता में कहते हैं सर्वगुह्यतम भूय, बोले हे अर्जुन मैं अभी तक तुमको गोपनीय बात बताया, गोपनीय तर बात बताया, गोपनीय तम बात बताया, लेकिन तू मेरे सखा हो इसलिए अभी मैं तुमको सर्वगुह्यतम, बोले जितने गोपनीय में भी जो सर्वगोपनीय बात तुमको बता रहा हूँ, बोले वो क्या है? बोले मन मना भव, अपना जो मन को और किसी को मत दो। बोले किसको मन दो? कल मन मेरे को दे दो और किसी को मन मत दो। इसलिए गुरुदेव कहते थे यद्यपि कृष्ण को मन सभी ने दिया था है, लेकिन पूर्ण रूप में ये मन किसने दिया है? बोले गोपियों ने जैसे कृष्ण को मन दिया और उनने किसी को भी अपना मन को किसी को किसी ने भी ऐसे मन नहीं दिया। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते ना, ब्रज में कोई एक नवेली आई, नवेली जानते हो, नई शादी करके ब्रज में आई। कहते ब्रज में जब कोई नई शादी करके आती है, ब्रज की गोपियाँ साधारण नहीं, कहते जो पूर्व जन्म में अभी हम सुनेंगे श्रुतिचरी मुनिचरी साधन सीधा गोप कन्या ये सब के सब पूर्व जन्म में जो कठोर साधन किया और उनको स्वरूप सिद्धि के बाद में जब वस्तु सिद्धि का समय आता है, बोले स्वरूप सिद्धि मतलब क्या? बोले हर जीव को अंदर में कृष्ण के प्रति एक नित्य भाव विद्यमान है। इसलिए कोई कोई कहते ना नहीं संघ के प्रभाव से अपना भाव बदली जाती है, कहते नहीं संघ के प्रभाव से नहीं बदलता है,
जीव को अंदर में बोले नित्य सिद्धस्य भावस्य साधनम प्राक्य साध्यता। इसलिए नित्य सिद्धस्य भावस्य कहते जीव के अंदर में एक नित्य सिद्ध भावना भाव है, लेकिन वो साधन को द्वारा क्या होता है, वो धीरे 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 साधन को द्वारा वो प्रकाशित होता है, जिसको हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उदाहरण देते हैं। जैसे गंगा किनारा है, अब अलग अलग बीज बो दो, कहीं नीम का बीज बो दो, कहीं पीपल का बीज बो दो, कहीं तुम कटहल का बीज बो दो, तुम आम का बीज बो दो, लेकिन पानी दो। पानी दोगे तो भैया कौन सा पेड़ निकलेगा? पानी यद्यपि पानी तो एक तरह का पानी दे रहे हैं, जहाँ नीम का बीज बोए ना वहाँ नीम का वृक्ष होगा, जहाँ कटहल का बीज बोए कटहल का बीज होगा, जहाँ आम का बीज होगा वहीं पर आम का बीज वहां पर होगा। इसलिए उसी तरह श्री जैव धर्म में श्री बाबा जी महाराज के दो शिष्य है, लेकिन दोनों शिष्यों को एक गुरुदेव कथा सुना रहे हैं, लेकिन एक का सख्य रस प्रकट हुआ और एक का श्रृंगार रस। बोले ऐसे क्यों हुआ? गुरु तो एक ही है, गुरु तो एक ही है, फिर दो भाव कैसे प्रकट हुआ? बोले नित्य सिद्धस्य भावस्य, कहते जीव हृदय में एक नित्य सिद्ध भाव विद्यमान है, लेकिन जब साधन करते हैं वो धीरे 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 उस साधन का प्रभाव से अपना जो नित्य सिद्ध भाव प्रकट होता है उसको कहते हैं स्वरूप। इसको कहते हैं साधन करते करते अपना स्वरूप का प्रकाशित होता है। जब अपना स्वरूप प्रकाशित होता है फिर जुगमाया उसको क्या करती है, ले करके उसको प्रकट ब्रज में जन्म दे देती है, जहां पर कृष्ण अभी लीला कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण की जो लीला बोले अलात चक्रवर्त, अलात चक्रवर्त, आर यू अंडरस्टैंड, अलात चक्रवर्त। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि आग की टुकड़ा लो और ऐसे ऐसे घुमाओ, पूरा ऐसे ऐसे घुमाओ, अब देखना अब ऐसे ऐसे घुमाओगे ना वो लगेगा पूरा जैसे कि गोलाकार है, लेकिन आग एक ही है, आग एक ही है। उसी तरह कृष्ण, उसी तरह अभी कृष्ण कहीं जन्म हुए हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, कृष्ण कहीं अभी जन्म हुए हैं, कृष्ण कहीं गया चराने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण कहीं अभी रास कर रहे हैं, कृष्ण कहीं ना कहीं अभी मक्खन चोरी कर रहे हैं, कृष्ण कहीं ना कहीं अभी गैया चरा रहे हैं, कृष्ण कहीं ना कहीं अभी पुतना को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं हो रहे हैं। बोले क्यों? अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में कृष्ण का लीला नित्य है, इसलिए कहते कृष्ण लीला नित्य है, कहीं ना कहीं कृष्ण लीला कर रहे हैं। फिर योग माया क्या करते हैं, वो जीव को स्वरूप सिद्धि को बाद में उसको लेकर प्रकट ब्रज में जन्म लेते हैं। इसलिए ब्रज में जो जन्म ग्रहण करते वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े साधन करते हुए कहीं ब्रज में, अभी ब्रज में कोई एक नई गोपी आई, नई शादी होकर के, और कृष्ण जब सवेरे गैया चराने जाते हैं कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, और बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी जो जो काम जो करती हैं उस छोड़ करके कृष्ण दर्शन के लिए आते हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण अभी गैया चराने के लिए जाएंगे, आएंगे कब? शाम को आएंगे, शाम को आएंगे तो कृष्ण दर्शन मिलेगा नहीं, इसलिए कृष्ण को दर्शन के लिए। वो जो नई बहू आई बोले मैं भी कृष्ण दर्शन करने के लिए जाऊंगी, लेकिन सास ससुर मना करते, बोले नहीं मत जा। बोले क्यों? बोले वो काला सांप एक बार अगर काट देगा ना वो जहर नहीं उतरेगा, हैं एक बार काट देगा तो जहर उतरेगा नहीं। बोले क्या मेरे को काटेगा और किसी को का नहीं? बोले तेरे को ही काटेगा और किसी को काटेगा नहीं। बोले तुम बूढ़ी हो करके तू जा रही हो, तेरे को नहीं काटेगा, और हमारे ससुर बूढ़े और मेरी ननद भी जा रही है, जब दुनिया जा रही है किसको काटेगा? नहीं मेरे को ही काटेगा। हाँ बोले तेरे को ही काटेगा। बोले क्यों काटेगा? वो नई गोपी आए ना, इसलिए बोले तेरे को ही काटेगा। बोले भाई काटे जो कुछ करे मैं दर्शन के लिए जाऊंगी। वो आ करके अपना घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन कर रहे थे। अभी कृष्ण को तो पता है कौन कहाँ किस रूप में आई, किसकी भाव हमें बढ़ाना पड़ेगा, कृष्ण को सब पता है। ये नई आई है, ब्रज में जन्म हुई, कठोर तपस्या करके अभी यहाँ पर आई है, हैं? अभी इनके भाव को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी कृष्ण एक नई बहू उसको पास में वैसे थोड़ी जा सकते हैं, इसलिए कृष्ण बहाना बनाए, एक बछड़े का जो मुंह उस तरफ में करके उसको पूछ को ऐंठ दिया, ऐंठ दिया तो बछड़ा फुदकते हुए वो गोपी को पास में पहुंच गया। कृष्ण उसको बहाना बनाए और वहां पर गए
और जा करके अपना बंसुरी से ना उसको जो कपोल गाल को ऊपर स्पर्श करा दिया, और उनका तरफ में थोड़ी सी उन्होंने तेरी चितवन से देखा और थोड़ी सी उन्होंने मीठी मीठे हंसे। इसलिए कहते कृष्ण को जैसे कामदेव का पांच बाण है, हैं पांच बाण कामदेव का, कृष्ण के पास में भी पांच बाण है, हैं इसलिए उसमें बता प्रहसिता ननम, गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं एक तो उनको मीठी मीठी जो हंसी है, कहते हंसी नहीं वो जादू है, उनका हंसी नहीं, इसलिए कहते ना किसको तरह हंस कर हंस लेगा तो फंस गया, इसलिए कहते ना हंसना नहीं, इसलिए कहते कृष्ण का जो हंसना नहीं कहते वो जादू है। बोले उनको जो तेरी सी चितवन, बोले तीर, वो ऐसे तीर अगर इधर चुभ गया ना दूसरे तरफ में निकल जाएगा, फिर वो तीर निकलेगा नहीं। कहते उनका जो कंदर्प जो रूप है, उनका जो सुंदर, कहते इसलिए उनको बताया मदन मोहन उनका रूप है, हाँ मदन मोहन रूप है, इसलिए बताया कृष्ण के अंदर में भी पांच बाण हैं, कृष्ण के अंदर में रूप असी तरसी चितवन, ये पांच बाण उनको पास में। इतने में कृष्ण ने जब उन्होंने उनको तरफ में देखा, देखा नहीं मैंने तीर चलाया, हंसा नहीं मैंने जादू डाले, अपना रूप का दर्शन कराते हुए कृष्ण जब वहां से चले गए, चले गए तो उसका मन प्राण चित्त कृष्ण लेके पूरा पूरा गए। जब गए अभी कृष्ण जाने के बाद सब लोग वापस गए अपना अपना घर में, लेकिन इसकी सास ससुर ने देखा भले फिर मेरी बहू कहाँ गई, अभी तक तो आई नहीं बहू, क्योंकि कृष्ण उसका मन प्राण चित्त लेकर चले गए। शरीर में जो मेन वस्तु मन है, अगर मन नहीं तो कुछ नहीं, उसका मन तो गया कृष्ण के पास में। बोले एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस, इसलिए ब्रज में जब उद्धव जी आए गोपियों को ध्यान की बात बताए, बोले उद्धव ध्यान तो मन से होता है ना, लेकिन वो मन तो कृष्ण के साथ में गया हुआ है, मन ते मन नाथ भयो दस बीस, मन दस बीस नहीं होता, मन तो एक होता है, लेकिन वो मन तो कृष्ण के साथ में गया हुआ। फिर तू कह रहे हो ध्यान करने के लिए ध्यान किसे करे, इसलिए वो गोपी का मन तो कृष्ण के साथ में चला गया, ध्यान किसको करेंगे। इसलिए गोपी तो खड़ी की खड़ी, ठगी से ठगी, उसकी सास आए बोले मेरे बहू कहाँ, देखा एकदम ठगी से ठगी वहां पर, जैसे किसको भूत लग जाए ना, हाँ जैसे भूत लग जाए, हाँ ऐसे ठगी से ठगी, उसको हाथ पकड़ के हिलाए, बोले तेरे को मैं पहले बता रहा था ना, हाँ तेरे को मैं पहले बता रही थी वहां दर्शन कर लिया मत जाओ, वो काला सांप अगर एक बार काट दिया तो जहर उतरेगा, देखा ना काट दिया तेरे को, चलो घर में चल। वो सोच रही है इसका मन को कैसे वापस लाए, कोई काम में लगा दे तो मन वापस आ जाएगा। बोले एक काम करो यहाँ पर बैठो और दधि मंथन करो, काम करोगे तो मन वापस आ जाएगी। सास थोड़ी देरी बाद में आकर के देखती है दधि मंथन क्या कर रहा, राई मंथन कर रही है, क्योंकि मन तो है नहीं ना, मन तो और कहीं चला गया। अभी बोले उसको थोड़े से चलने फिरने का काम में लगा दे, बोले जा कुएं से पानी भर कर ले आया, दो तीन मटकी सर पर रख दी और एक बच्चे को हाथ में पकड़वा दिए, जा कुएं से पानी भर कर ला। वहां पर और भी कुछ गोपियां पानी भर रही थी, इसने जो रस्सी कलसी में क्या लगाएगी फांद, वो फांद लगा दिया, अपना जो साथ में बच्चा गया था उसको गला में फांद लगा दी और उसको ही कुएं में डाल रही थी। किसने कहा भैया इसको तो भूत लग गया, अपना बच्चे को ही गले में फांस लगा कर कुएं में डाल रही है। लेकिन वहां पर कुछ अनुभूति संपन्न गोपियां थी, हैं बोले भैया इसको भूत नहीं लगा, बोले क्या लग गया, बोले नंद बाबा मैया जसोदा का पूत लग गया। इसलिए साधारण भूत हो ना भैया वो भूत तो छूट जाता है, लेकिन ये भूत अगर किसी को लग गया ना फिर तो भूत कभी छूटता नहीं, जैसे आप लोगों को भूत लग गया, सब भूत लग गया है, हैं इसलिए कहती ये भूत कभी छूटता नहीं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण जब गोपियां आई तब कृष्ण कहते स्वागत में महाभागा, कहते मैं तुमको स्वागत करता हूँ। बोले क्यों स्वागत करती हो, बोले मन मना भव, कृष्ण जो गीता में बताया ना सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन तुम सारे धर्म को छोड़ कर गई तुम मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा। अगर कहते अगर ये श्लोक पूर्ण रूप में कहीं लागू होती है ना, कहती ब्रज गोपियों में लागू होती है,
इन लोगों ने सचमुच से उन्होंने सारे धर्म को उन्हें त्याग दिया, इसलिए त्याग दिया। इसलिए कहते कल्ले हम श्रवण कर रहे थे, बोले क्या क्या त्याग दिया, कोई गोदहन कर रहे थे, देह दही, देह की धर्म, देह संबंधी जितने धर्म हैं उन्हें सबको उन्हें त्याग दिया। कोई दूध दोहन कर रही थी, कोई दुहा रही थी, कोई चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पान करा रही थी, कोई पति को सेवा कर रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई अपना शरीर को श्रृंगार कर रही थी। बोले देह और देह संबंधी जितने वस्तु ना हमने सब कुछ कृष्ण के लिए त्याग किया। इसलिए कृष्ण कहते हैं गोपियां, ब्रह्मा जैसे अगर मैं परमायु भी ले लूं, लेकिन तुम लोगों को जो त्याग है ना, मैं कभी भी तुम्हारे ऋणी को मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ, कभी तुम्हारे ऋणी को ऋणी हो नहीं हो सकता हूँ। इसलिए कभी कभी कृष्ण कहते हैं अनुब्रजामी अहम नित्यं पुए एत अंग रेणु भी। गोपियां तुम्हारी सेवा करती हैं दिन रात, मेरी सेवा में तन मन सब कुछ दे दिया, अगर मैं कभी कभी कहता हूँ भैया मेरे से कुछ ले लो, मेरे से कुछ ले लो, जानते हो गोपियां क्या कहती है, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो ना आपकी चरण की सेवा देता। बोले ऐसे तो मैं ले ले करके ऋणी बनी गया, लेकिन जब फिर देना चाहता हूँ क्या मांगते हैं, तुम्हारी चरण की सेवा दे दो, फिर मैं तो और बसीभूत हो गया ना, और ऋणी बन गया। अभी मैं सोचता हूँ इनसे ले 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 करके अगर कोई ऋणी बन जाए, जैसे आप मेरे को हर समय कोई चीज दो दो, अगर मैं कुछ नहीं दूं फिर मैं ऋणी बन जाऊंगा ना, कुछ तो तुम्हें देनी चाहिए ना, तभी तो ऋणी बनूंगा। अभी कृष्ण सोचते हैं भैया इनका ऋणी से ऋणी कैसे बने, ऋणी से मुक्त तो कैसे हो, इसलिए कहते भैया ये तो ऋणी से मुक्त तो होना बड़ा कठिन है, इसलिए हम क्या करते हैं ना चरण धुल लेते, संतों का हम चरण धुली लेते हैं। कृष्ण सोचते हैं अगर इनकी चरण धुल थोड़ा मिल जाए मेरे को, मैं पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी भक्तों का चरण धुल लेने के लिए जाऊं, कोई भक्त मेरे को थोड़ी चरण धुल देगा, कोई देगा ही नहीं मेरे को, हाँ कोई देगा ही नहीं। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, मैं छुप छुप करके, जब भक्त चलते हैं ना मैं छुप छुप करके पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों, बोले जब चलेंगे धूल उड़ेगा, जो उड़ेगा मेरे सर पर गिरेगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मतलब भक्तों का चरण धूल की इतने महत्व है, कृष्ण भी चाहते हैं भक्तों का चरण धूल लेकर के मैं भी पवित्र बन जाऊं, इतने भक्तों की महिमा। इसलिए कहते हैं मन मना भव, बोले हे अर्जुन अपना मन को मत मना, मतलब मन और किसको मत दिया करो, मन देना तो किसको दो, मन केवल मेरे को दो। इसलिए गोपियां इसमें सर्वश्रेष्ठ, उसका जो आदर्श है ये गोपियां हैं, और इसमें कोई नहीं, मन केवल कृष्ण को दिया। बोले मत भक्त भव, अगर भक्त बनना है तो किसको भक्त बनो, बोले और किसी को नहीं, भक्त बन तो मेरा ही भक्त बनो, और किसी का भक्त मत बनो। माम जाजी, अगर पूजा करे तो किसको पूजा करे, बोले माम, बोले प्रणाम करे तो बोले मेरे को, और किसी को नहीं। इसलिए कृष्ण, इसलिए भागवत में बताया ताम मन मनस्का, कृष्ण खुद कह रहे हैं उद्धव जी को, बोले उद्धव जी उनने जो अपना जो मन है ना, पूरा मन मनस्का संपूर्ण मन मेरे को वो लोग दिए हुए हैं। इसलिए जब गोपियां वहां आती हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं स्वागतम मे महाभागा, मैं तुमको स्वागत करता हूँ, विश्व ब्रह्मांड जिनको स्वागत करते हैं। आज भगवान किसको स्वागत कर रहे हैं, ब्रज गोपियों को स्वागत कर रहे हैं। बोले क्यों, बोले वो स्वागत की योग्य है, कारण है उन लोग ने संपूर्ण रूप में कृष्ण को तन मन धन सब कुछ कृष्ण को, उन्होंने कृष्ण को दिया। इसलिए कृष्ण स्वागत, कृष्ण किसको थोड़ी स्वागत कर सकते हैं, दुनिया उसकी स्वागत करते हैं, भगवान इनको स्वागत करते हैं। बोले तुम लोग कौन हो, बोले महाभागा है? एक तो भाग्यवान होते, एक तो भाग्यवान होते, कि तुम भाग्यवान नहीं है, महाभाग्या, जितने भाग्यवानों में तुम सर्वश्रेष्ठ महाभागवती हो। क्यों, मेरे लिए तुम लोगों ने सब कुछ, तुम लोगों ने मेरे को त्याग दिया है। इसलिए
कल हम सब इस बात को हम लोग सुन रहे थे। यहाँ पर अभी एक श्लोक आता है जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। कोशिश करना उस चीज को समझना के लिए। बोले अंतर्गृहिता काश्चित गो गोप्य अनब्ध विनिर्गमा कृष्ण तद्भावना युक्त दधुर मिलित लोचना। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे गोपियों को रोकने के लिए चाहने पर भी उनको रोक नहीं सके। बोले क्यों नहीं रोक सके? बोले कारण है कृष्ण संपूर्ण रूप में उनका मन प्राण चित्त को उन्होंने हरण किया, संपूर्ण कृष्ण के प्रति मोहित है। जैसे किसको पर जादू कर दो ना, किसको पर जादू कर दो क्या हो जाता है, वो जादू का ऐसे प्रभाव पड़ता है उसको पर और कोई चीज काम नहीं चलता है। इसलिए जगत में जगत का जो जादू है ना, देखना धीरे 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 वो जादू का जो प्रभाव हो, कोई अगर दूसरा कोई मंत्र बढ़ना वो जादू का धीरे प्रभाव धीरे धीरे घटती है। लेकिन कृष्ण भक्ति रूपी जादू जिसको लग जाए फिर तो ये जादू बढ़ती है, ये जादूगरी घटती नहीं, वो ऐसे जादू है। इसलिए अभी कृष्ण को थोड़ा मोहित होने का वजह से, बोले कृष्ण क्या अकेले केवल इनको मोहित करते? बोले सबको मोहित करते, कृष्ण सबको मोहित करते। इसलिए उसका नाम कृष्ण, क्री मतलब क्या है, सबको जो आकर्षण करे। बोले स्ना मतलब क्या, बोले सबको जो आनंद दे, आकर्षण करे और सबको जो आनंद प्रदान करे, वो कृष्ण है। इसलिए बोले काल कमरिया ऊपर चढ़ना दूज रंग है। इसलिए कहते जिसको ऊपर काला रंग लग गया ना उसके ऊपर और कोई रंग उसको ऊपर में कोई काम नहीं करता। बहुत सारे रंग मिलाओ देन अलग 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 रंग दिखेगा, लेकिन थोड़ा काला रंग मिला तो देखो ना सारे रंग को अपना लेगा, सारे रंग अपना सब काला ही काला हो जाएगा है? और जिसको काला कपड़ा है ना, कोई दूसरे कपड़े को उस पर कोई रंग लगाओ देखना रंग देखेगा, लेकिन काला रंग जिसको ऊपर उसको कोई रंग लगा वो कोई दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं। इसलिए काला, इसलिए कृष्ण काले है। अगर और रंग में कोई रंगा तो फिर रंग उसको पर कोई रंग उसकी छेड़ता ही नहीं। इसलिए बोले कृष्ण मोहित मानसा, कारण है उनको एक तो गोपियों को मोहित किया और दूसरे मोहित किया क्या, बोले जो ब्रजवासी उनका जो पति पुत्र बेटा सब थे कहते उनको भी मोहित किया, ये भी मोहित है और ये भी मोहित है। इसलिए दोनों मोहित होने का नाते उनको कोई रोक नहीं पाए। लेकिन कहते कुछ कुछ को रोक लिया है, कुछ कुछ को उन्होंने रोक लिया। बोले अंतर्गृहिता काश्चित गोप्य अलब्ध विनिर्गमा, लेकिन कुछ गोपियां तो निकल करके आगे, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं पाए। अभी यहाँ पर प्रश्न करते हैं भैया निकल कर कौन आए और निकल कर कौन नहीं आ पाए, और आए तो क्यों आए और नहीं आए तो क्यों नहीं आ पाए। तो उसको पर कहते हैं कहते गोपियां दो तरह का है, एक है नित्य सिद्धा और एक है साधन सिद्धा। कोशिश करना समझने के लिए, एक है नित्य सिद्धा और एक है साधन सिद्धा। बोले भैया नित्य सिद्धा मतलब क्या है? बोले नित्य सिद्धा उनको कहते हैं, उनको नित्य सिद्धा कहते हैं जिनका कोई जन्म पात है नहीं। साधन सिद्धा किसको कहते हैं? जो साधन करते हुए धीरे 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 जो सिद्ध हुए उसको साधन सिद्धा कहते हैं है? और नित्य सिद्धा किसको कहते हैं? बोले जिनका जन्म नहीं वो पहले से ही भगवान के नित्य परिकर है। बोले भैया प्रमाण कहाँ पर है? जैसे हम लोगों को गुरु जी से गोपाल मंत्र मिला, कहते ना क्लीन कृष्णाय गोविंदाय, उसके बाद में गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, उसमें आता ना गोपी जन वल्लभाय, ये मंत्र किसने दिया? बोले भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा धीरे धीरे आए। इसका मतलब जो गोपी जो मंत्र में गोपी जन वल्लभाय स्वाहा है, इसलिए हम क्या चाहते हैं गोपियां जैसे कृष्ण को भक्ति की हम ऐसे ही भक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए गोपी जन। और वेद में क्या बताया? वेद में बताया श्यामम छबलम प्रपदे, छबलम श्यामम प्रपदे, ये वेद में बताया है। इसलिए वेद में बताया राधा या माधव देव माधव नैव राधिका, ये वेद में बताया। मतलब राधा कृष्ण को साथ में, कृष्ण राधा जी को साथ में नित्य स्वभाव माने है, नित्य उनको स्वभाव मान। जिसको ब्रह्म संहिता में बताए
बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभीर एव निज रूप कला तया भी। ये ब्रह्म संहिता में बताए यदि गोपियां कौन है, बोले गोपियां और कोई नहीं कृष्णा की अभिन्न स्वरूप श्रीमती राधा रानी। राधा रानी जब कृष्ण सेवा के लिए कोशिश करती हैं, राधा जी की जो एक एक भाव ही है, एक एक भाव ही एक एक रूप धारण करती है गोपियों की। ललिता मतलब क्या, बोले राधा जी की जो लालित सुंदरता है। तुमको विद्या मतलब क्या, बोले राधा रानी के अंदर में जो विद्या है, जो तुंग मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप में है राधा रानी गांधर भी का, इसलिए तुंग विद्या कौन, राधा जी अंदर में जो विद्या है वो विद्या ही एक रूप धारण किया। बोले चित्रलेखा कौन है, बोले राधा रानी के अंदर में जो आर्ट है उसने एक रूप धारण किया। इसलिए कहते ये गोपियां और कोई नहीं, राधा जी की एक एक भाव ही एक एक रूप उसने धारण किया है गोपी रूप में। इसलिए जैसे राधा कृष्ण नित्य, जैसे राधा रानी नित्य, ये गोपियां भी नित्य है। इसलिए भागवत की जो ये ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है इसमें क्या कहते हैं, बोले चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सिद्धमानम गोविंदंग मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, ये वृंदावन धाम की महिमा को स्तुति करते बोले वृंदावन के जो धाम चिंतामन वृक्ष कल्प वृक्ष पानी अमृत, कोई चलता तो ऐसे लगता है जैसे नाच रहे, कोई बोलता तो लगता है बड़े सुंदर भजन गा रहे। बोले एक लक्ष्मी नहीं, बोले लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सिद्धमानम, जहां पर हजार हजार लक्ष्मिया जहाँ संभ्रम पूर्वक जहाँ पर सेवा करती है ब्रजधाम में। इसलिए कहती भैया ये लक्ष्मिया कौन है, बोले श्री कृष्ण राधा रानी की काव्य हो ये ब्रज गोपियां ही यहाँ पर श्री हाँ लक्ष्मिया हैं। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं और गौतम तंत्र में बताए बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। यहाँ पर राधा रानी की अनंत नाम को बताया देवी, क्यों बोले दुत्तमाना परम सुंदरी, जिससे ज्यादा सुंदर जगत में कोई नहीं, कृष्णमयी बोले जिसका बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण है, राधिका जो सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण को आराधना करती है, परा देवता बोले देवियों में जो सर्वश्रेष्ठ देवी कौन है, श्री राधा रानी, जिनसे उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी जिनसे सारी देवियां प्रकट होती हैं, और सर्व लक्ष्मीमयी हैं जो जितने सारे लक्ष्मी प्रकट होती है गोलोक वृंदावन में जितने लक्ष्मिया, द्वारका में जितने लक्ष्मिया, और मथुरा में जितने लक्ष्मी, वैकुंठ में जितने लक्ष्मी कहाँ से आती है, बोले राधा रानी से आती हैं। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा, कृष्ण की सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, दुनिया को कृष्ण मोहित करते हैं, लेकिन कृष्ण को कौन मोहित करती है, राधा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यदि ये सब के सब कौन है, बोले ये भगवान की ये नित्य सिद्धा, इनकी कोई जन्म वृतांत कहीं नहीं, लेकिन दूसरे तरह का होता है साधन सिद्धा। साधन सिद्धा मतलब जो साधन करके सिद्ध हुए। कहते भैया कौन कौन है, कहते वो कौन कौन है, कहते वे लोग है जिस समय भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में गए वहां पर कुछ ही मुनि चले, कुछ मुनि लोग वहां पर बैठ करके भजन कर रहे थे, गोपाल मंत्र का उपासना कर रहे थे, लेकिन उपासना तो कर रहे थे लेकिन वो जो मंत्र में ना देखना भजन कैसे एक तरह का है, हाँ कर रहे थोड़ा माला कर लिया, ठाकुर थोड़ा आरती उतार लिया, तुलसी परिक्रमा कर लिया, हाँ किसी तरह से जीवन बीत रहा है किसी तरह से। कहते ये और एक होता है लगन लगा कर, लगन लगा कर मतलब नहीं हम ऐसे साधन करेंगे रोज रोज एक एक लाख हरिनाम करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करके ग्रंथानुशीलन करेंगे, और जैसे मेरे हृदय से सारे अनर्थ जैसे नष्ट हो जाए 24 घंटा जैसे गोस्वामी लोग संख्या पूर्वक नाम गान नति भी
कालावसा निकृत निद्रा आहार विहार काद विजित चत्यंत जीन चजो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्महित बंदे रूप सनातन रघुजुग जीव गोपाल को। जैसे हमारे गोस्वामी लोग 24 घंटा उसमें डूबे रहते थे, उसमें पूरा डूबे रहते थे। समय को क्षांतरी अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान, कभी भी समय को नष्ट नहीं करते। हम भी ऐसे साधन करेंगे समय जैसे हमारी नष्ट नहीं हो, हृदय से अनर्थ कैसे जाए और सचमुच हृदय में कृष्ण प्रेम कैसे जागृत हो। लेकिन वहां पर जो गोपाल मंत्र की उपासना कर रहे थे ना, हाँ किसी तरह से मंत्र जप हो रहा है, किसी तरह से कर रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं। लेकिन जो मंत्र जैसे कहते मंत्र रहे साधन की बात, शरीर पतन मतलब भले ही शरीर हमारी पतन हो जाए लेकिन मंत्र को हम सिद्ध करके मंत्र को छोड़ेंगे, जिसको पुरस्चरण कहते हैं। पुरस्चरण में मंत्र को, एक मंत्र को, निर्दिष्ट मंत्र को एकदम अच्छे तरह से उसको जप करके एक दिन मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवता के दिन स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हाँ, इसको कहते पुरस्चरण। खाना पीना एक जगह में रह करके एकदम कठोर साधन में उसमें डूब जाना है, वो ऐसे भजन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब वहां भगवान राम गए, अभी राम श्याम एक ही है, एक ही है स्वरूप, उनके करके एक ही स्वरूप है। अभी उनको तो राम को देख करके श्याम भी याद आया, मंत्र जब कर रहे थे गोपाल मंत्र की, लेकिन राम को तो देखा लेकिन उनको याद आया श्याम को, उनके रूप याद आया। आया तो उन्होंने रामचंद्र को अपना प्रतिरूप में प्रार्थना की। इतने में राम ने कहा देखो ये रामावतार में एक पत्नी श्री सीता के सिवाय और मैं किसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हाँ तुम लोग द्वापर युग में आओ, मैं जब कृष्ण बन कर जाऊंगा तब तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर दूंगा। इसलिए वो जो मुनि लोग सबके सब गोपी बने, कहते श्रुति चरी बोले जो श्रुतियों का जो मंत्र, कहते वेद का जो एक एक मंत्र है वो मंत्र भी कठोर साधन किया। ये बामन पुराण में कहता है कठोर साधन किया। जब कठोर साधन की इतने में कृष्ण दर्शन दिए, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु ये गोपियां जैसे आपको प्राप्त की है, हैं गोपियां जैसे आपको प्रियतम रूप में प्राप्त की, हम भी चाहते हैं गोपी रूप में जन्म लेकर के आपको हम सेवा करें। कृष्ण बोले नहीं ये असंभव वस्तु, और कोई चीज की प्रार्थना कर। बोले नहीं हम तो एक ही चीज चाहते हैं, आप हमको गोपी रूप में ग्रहण करो। भगवान दयालु है, ठीक है तुम सबके सब गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। बोले और कौन है? बोले जिस समय कंस ने बड़े अत्याचार उन्होंने मचाया, दुनिया में टहलका मचा दिया कंस ने, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते, हरि कीर्तन नहीं कर सकते, साधुओं को सबके सब जेल में बंद कर दो साधुओं को। जो उन्होंने इतने उत्पात मचाए, सब देवता लोग खीरी समुद्र में जाकर के भगवान को प्रार्थना किया, प्रार्थना किया तो इतने में आकाशवाणी हुई, बोले देवताओं तुम्हारी भावना को दुख हमने समझ गया है। तब उन्होंने बोलते हैं जाओ तुम जितने देवियां सबके सब गोपी रूप में ब्रज में जन्म ग्रहण करो, जितने देवता सबके सब तुम जदुवंशियों में जन्म ग्रहण करो, मैं जल्दी जल्दी आ करके तुमको रक्षा करूंगा। इसलिए उन लोगों ने जो स्वर्ग की जो देवियां हैं, देवियां मतलब वामन देव की जो शक्तियां थी, ये सबके सब गोपी बन करके आए, गोपी बन करके आ करके ये इन लोगों ने सबके सब साधन किया। इसलिए गोपियां कितने तरह का हो गया? कि दो तरह के, एक तो नित्य सिद्धा और एक साधन सिद्धा। बोले साधन सिद्धा में भी दो तरह का है, एक जौथ की और एक अजौथ की है, एक जूथ 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 रूप में और एक अजौथ की, मतलब जिन्हें जूथ नहीं है, द ग्रुप नहीं है, है? इसलिए कहती ये जो जौथ की और एक अजौथ की उसमें भी है। इसलिए कहती ये कौन हुए? कहती ये सब के सब हुए एक साधन सिद्ध और एक नित्य सिद्ध। प्रश्न है फिर घर में किसको रोक दिया, कौन बाहर नहीं जा पाए? बोले जो लोग साधन सिद्ध थे, जो साधन करके सिद्ध होकर के आए, लोग साधन करके सिद्ध बन करके आए, लेकिन अभी उनका अंदर कुछ कसाई है। कसाई मतलब कुछ उनके अंदर में कुछ दोष अभी है। उन लोगों आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ रुचि निष्ठा आसक्ति
और प्रेम दशा को तो प्राप्त किए, लेकिन करने पर भी उनको जोग माया ने गोलोक ब्रज में तो जन्म दिए, लेकिन देने पर भी अभी भी उनका अंदर में कुछ कमी है, अभी उनको भाव सिद्ध पूर्ण नहीं हुए। जब साध भाव पूर्ण नहीं हुए इसलिए क्या क्या उनको पतियों ने अंदर में रोक दिया, पतियों ने उनको बाहर जाने बोले खबरदार अगर रात में जाओगे ना टांग तोड़ दोगे, अगर घर से बाहर निकलोगे तो घर में रहो, कहाँ जा रहे हो अर्धरात में कहाँ जा रहे हो। बोले जाने किसको दिया, बोले जाने उनको दिया जिनका भाव सिद्ध, जो नित्य सिद्ध थी, जिनका भाव पूर्ण हो गया था, जोग माया उनको मदद किया, सबके सब घर से बाहर निकल गए। और जाने किसको नहीं दिया, इनको जाने नहीं दिया। क्यों जाने नहीं दिया, क्या कारण है, हम उसको फिर कल सुनेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बात उसमें बता रही हैं, जाने दिया क्यों नहीं, जाने क्यों दिया, रहे तो क्यों रहे, इसका क्या रहस्य है, उसको श्री जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी विषय पर बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। ठीक है, इसका हम लोग कल सुन लेंगे। वंशा गुरु दुर्भ्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गौर ब्रह्मानंदे हरि।